हेलो ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मैथमेटिक्स। आपको आपकी जो मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। ठीक है, तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसके थ्रू हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके नोइंग अवर नंबर से रिलेटेड, अगर कोई भी आइडेंटिटी या रूल होगा तो मैं इसी के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। आपको बस सामने देखना है और अच्छे से समझना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से, फिल इन द ब्लैंक से आपको कुछ खाली जगह भरनी है। जैसे 1 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू आपको बताना है कितने 10,000 होते हैं। तो ये पहले आपने शायद पढ़ा होगा 5th क्लास तक, फिर भी आप देखें अच्छे से किस तरह से हम पता कर सकते हैं। आपको जब भी कोई ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस मिलें, जैसे आपको बताना हो कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस प्लेस तक जाना है, जिस प्लेस में बताना है, जैसे आपको 1 लाख में कितने 10,000 है ये बताना है, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1 लाख। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, मैंने ये 1 लाख लिख लिए। अब मैं क्या करूँगा, 10,000 तक काउंट करूँगा। कितने तक काउंट करूँगा? 10,000 तक। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक 10,000 आया, तो यहाँ तक के दोनों नंबर मैं ले लूँगा, ये जो लिखा है वही हमारा आंसर है। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10,000 होते हैं। अगर 10,000 हो जाएंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 1 लाख। 1 मिलियन तक जाना है हमें, कहाँ तक जाना है? 1 मिलियन तक। तो देखें, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ये कितना लिख लिया मैंने? 1 मिलियन लिख लिया। देखें फिर से, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। ये क्या है, जो मिलियन और बिलियन की बात है ये इंटरनेशनल काउंटिंग के अकॉर्डिंग होता है, और ये जो लाख करोड़ है वो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में होता है। तो आप देखें कितने 100,000 होते हैं, तो हम 100,000 तक काउंट करेंगे। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो हमने यहाँ तक लिख लिया। तो कितने 100,000 होते हैं 1 मिलियन में? 10,100,000 होते हैं। अगर हम 100,000 10 टाइम कर लेंगे तो 1 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। ऐसे अब हम 1 करोड़ में बताने कितने 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ तक काउंट कर लेते हैं। देखें, 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। ठीक है, ये करोड़ तक हो गया। अब हमें क्या बताना है? 10 लाख। तो 10 लाख तक काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। 10 लाख तक यहाँ तक था, तो ये दोनों नंबर ले लिए, कितना आंसर आएगा? 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 10 लाख। हमें 1 मिलियन में बताना है कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में पहले हम 1 मिलियन तक काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। कितना आ जाएगा ये? मिलियन। अब मिलियन हो गया, अब मिलियन में लाख तक काउंट कर लो, 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, तो कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख, क्योंकि 10 लाख इज इक्वल टू ही 1 मिलियन होता है। तो बड़ा आसान सा था, सभी में 10 आंसर आए कोइंसिडेंसली। तो आपको पता करना है कि किस नंबर में कितने थाउजेंड, कितने 100,000, कितने लाख होते हैं, तो ये आसान तरीका है पता करने का। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखने जा रहे हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है कि पुट कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको इनके नंबर्स लिखने हैं और कॉमास पुट करने हैं। तो आप देखें, दोनों काम कर सकते हैं आप। तो इसमें लिखा है 73,75,307। जब भी आपको वर्ड्स से न्यूमरल्स में जाना है तो सबसे पहले आप काउंटिंग लिख लें। ये लाख में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो आप लिख लें लाख तक। तो वो 73 लाख लिखा है, 73 यानी 2 डिजिट तक लेख आएगा, तो हमें 10 लाख तक जाना पड़ेगा। तो 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख और 10 लाख। क्लियर है? अब हम नंबर देख लेते हैं अपन। 73 लाख, लाख की प्लेस पर क्या आ रहा है?
73। अब 1000 देखें, 75,000 की प्लेस पे क्या आ रहा है, 1100 की प्लेस पे क्या आ रहा है, यानी कि 100 की प्लेस पे 300 और बचेगा क्या 7, तो वंस की प्लेस पे कितना है 7। अब पुट कैसे करते हैं कॉमा, याद रखें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट 3, आफ्टर दैट 2 और 2 के बाद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पेयर जो है वो 2-2 का बनता है, 1000-1000, लेख, ठीक है। और जब भी आप किस में देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, वहाँ 3-3 के पेयर बनते हैं, वहाँ 1000-100,000, 1000-10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है, तो 3-3 के पेयर में कॉमा लगते हैं। तो यहाँ कॉमा कैसे लगेगा, 1100 के बाद, 1000-10,000 के बाद, और लैख और 10 लैख के बाद, क्लियर है। फिर यहाँ देखें, करोड़ तक जाना है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़। करोड़ की प्लेस पर कितना है 9, तो 9 करोड़। फिर 5 लैख, सिर्फ लैख की प्लेस पर लिखा है, तो लैख वाली प्लेस पर आएगा कहाँ पर 5। फिर लिखा है 41, कितना लिखा है 41, 41 कहाँ आएगा, टेंस और वंस पर सिर्फ 41 है, क्योंकि ना 100 है वो ना 1000 है, तो बाकी जो प्लेसेस खाली रह गई हैं ना, वहाँ हमें क्या करना है, 0 लगा लेना है, क्या लगा लेना है 0, और बस आफ्टर 3 एंड 2 एंड 2 के बाद कॉमास पुट कर देने, बहुत ईजी है। लिखा है 7,52,21,302, क्या लिखा है 7, फिर से करोड़ तक है, तो आप करोड़ तक काउंट कर लें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख और करोड़, तो करोड़ पर कितना है 7, तो 7 करोड़। लैख कितना है 52 लैख, तो लैख पर दोनों आ रहे हैं, 52 लैख हो गया। फिर 1000 की प्लेस पर क्या है 21,000, तो 21,000। फिर 302 कितना है, फिर 302, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको प्रैक्टिसिंग के लिए करने हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सरसाइज कर लेनी है, इसको भी समझ लें अच्छे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट कॉमास, आपको कॉमास पुट करने हैं सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नेम लिखने हैं, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ही कॉमास पुट करने हैं। तो देखें आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमास पुट करने के लिए आप इसको एक बार और नोट कर लें, तो 8,7,5,9,5,7,6,2, मैंने आपको बताया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, पहले फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है, नहीं तो आप काउंट करके भी लिख सकते हैं, 1100, फिर 1000-10,000, फिर 10 लैख, 10 लैख, इस तरह से। और अब आप इनका नंबर नेम लिख लें, देखें यहाँ देखें, वंस टेंस, आप काउंट कर लें, वंस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख और करोड़, करोड़ की प्लेस पर क्या है 8, तो हम लिख देंगे 8 करोड़, क्या लिख देंगे 8 करोड़, ठीक है। इसके बाद लैख की प्लेस पर क्या है 75, तो हम लिखेंगे यहाँ 75 लैख, 75 लैख। उसके बाद 95,000 क्या होगा, 95,000, उसके बाद 762, 762, ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट इसको देख लें, 999,000,046, फर्स्ट 3, आफ्टर 2, 2, नंबर नेम कैसे लिखने वाले हैं, क्या करना है, वंस, टेंस,
100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. यहाँ crore की प्लेस पर क्या आ रहा है? 9. तो हम लिखेंगे 9 crore. क्या लिखेंगे? 9 crore. आफ्टर दैट क्या है? लेख की प्लेस पर क्या है? 99. तो हम लिखेंगे 99 lakh. फिर 1000 की प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 100 की प्लेस पर भी कुछ भी नहीं है, तो 46. क्या लिखेंगे? 46. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. इसको अच्छे से नोट कर ले और समझ भी ले. देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है. इसमें बस आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की तरह लिखना है. अभी हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से किया था, अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है. तो देखें, सबसे पहले हम कॉमास पुट कर लेते हैं. इस बार कॉमास कैसे पुट होंगे? आफ्टर 3 डिजिट के बाद. ठीक है. तो देखें, 7892 1092. वंस टेंस हंड्रेड, कैसे? वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ होता है 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000. फिर आता है मिलियन और 10 मिलियन. क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हैं, देखें, अब नंबर नेम लिखना है हमें. क्या लिखना है? नंबर नेम. नंबर नेम में क्या होगा? मिलियन की प्लेस पर क्या आ रहा है? 78. तो हम यहाँ लिखेंगे 78 मिलियन. उसके बाद देखें, 1000 की प्लेस पर कितना आ रहा है? 921, यानी 921. कितना आ रहा है? 921,000. क्योंकि सारा का सारा किसकी प्लेस पर है? 1000 की प्लेस पर. तो 921,000. उसके बाद कितना है? 92. 100 की प्लेस पर तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 92. देखें इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. देखें, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन टेन मिलियन. तो वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन और 10 मिलियन. तो इसका नंबर नेम क्या होगा? 99 लाख 99 मिलियन. क्या लिखेंगे? 99,985,000. और बचा क्या है? 100 और 2. 100 की प्लेस पर इस बार दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 102. क्लियर है? 102. तो बच्चों, ये आपकी जो फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट एक्सरसाइज थी, वो हो गई है आपकी फिनिश. इसको अच्छे से देख लें, बार बार अच्छे से समझ लें, और जो क्वेश्चन मैंने लीव कर दिए हैं वो आपको एक्सरसाइज में करने हैं. ठीक है. तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, आपकी जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी. तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे.